हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है जनरल साइंस मतलब ईवीएस, चैप्टर नंबर 1 के काइंड ऑफ प्लांट्स। तो अब हम करेंगे, हमने 1 से लेकर 10 तक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए ईवीएस में, तो अब हम फिर से रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे फर्स्ट सेम में सिर्फ 1 से लेकर 10 तक की चैप्टर है। तो हमारा चैप्टर तो सब कंप्लीट हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से सभी चैप्टरों का हम फिर से रिवीजन करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकें। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो हम उसका रिवीजन करेंगे, तो बुक निकालो पेज नंबर 5। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा था, तो इस चैप्टर में ट्री के बारे में, सब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर्स एंड थोर्नी प्लांट्स के बारे में देखा था। तो ट्री का आयुष्य जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है और उसमें बहुत सारी ब्रांचें होती है और उसकी जो वुड स्टीम होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है कि हम आसानी से उसे खींच के हम गिरा नहीं सकते हैं। ओके, और जो ट्री होती है उसमें बहुत सारी ब्रांचें होती है, बट हाँ, ऐसे कौन सा ट्री है जिसमें ब्रांचें बहुत ही कम होती है। यस, एक तो है कोकोनट पाम और दूसरा एक बनाना का जो प्लांट होता है ना, उसमें भी बहुत ही कम ट्रीज उसके जो ब्रांच होती है। तो वहाँ पे हमने इस चैप्टर में देखा था कि बिग, स्मॉल और वेरी स्मॉल, तीन तरीके के प्लांट्स होते हैं, बिग, स्मॉल और वेरी स्मॉल। तो बिग है उनमें कौन सी ट्री आती है, तो बिग है उसमें बहुत सारे ट्री, ये जैसे कि आप बड़े बड़े ट्री देख रहे हो तो बिग में ये सब बड़े ट्री आते हैं, और स्मॉल तो स्मॉल में छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो आते हैं, और सबसे छोटे तो सबसे छोटे जो हर्ब्स वगैरह होते हैं वो सबसे छोटे प्लांट्स में आते हैं। और कोकोनट पाम है उसमें बहुत ही कम ब्रांचें होती है और बाकी के जो ट्री है उसमें बहुत सारी ब्रांच होती है। फिर पेज नंबर 6, तो यहाँ पे हमने देखा था ट्री के बाद शब्स, तो ये है हमारे स्मॉल प्लांट्स। तो सब्स मतलब उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो हम अपने घरगंतों के लिए यूज़ करते हैं, दवाई के लिए या फिर काढ़ा के लिए, जैसे कि स्मॉल प्लांट्स तो उसमें रोज़, फिर स्वीट फ्लावर एंड कॉटन प्लांट्स। ओके, सब्स आर स्मॉलर देन ट्री, दे हैव अ नंबर ऑफ हार्ड वुडी स्टीम, उसकी जो आप स्टीम देख रहे हो ना वो इतनी हार्ड नहीं होती है, बट हाँ, हब से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि आप नीचे हब्स देख रहे हो ना, तो उसकी जो स्टीम होती है बहुत ही वीक होती है, बट जो सब्स है उसकी जो स्टीम होती है वो हब से थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है। फिर उसके नीचे हमने देखा था हब्स, तो हब्स जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं, उसमें स्पिनच, राइस, मिंट, ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो हम अपनी दवाई के लिए या फिर घर गंतों के लिए भी हम यूज़ लेते हैं, हम फिर किचन में कुक करने के लिए उसमें भी यूज़ लेते हैं। फिर इसका जो आयुष्य होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है और बहुत ही कम होता है, और उसकी जो वुड स्टीम होती है बहुत ही वीक होती है। जैसे कि हमने देखा था कि ट्री है तो ट्री की आयुष्य बहुत ही लॉन्ग टाइम होती है और उसकी वुड जो स्टीम होती है बहुत ही हार्ड होती है और उसमें बहुत सारी ब्रांचें होती है। उसके बाद आता है श्रब, तो श्रब की जो स्टीम होती है थोड़ी सी हार्ड और थोड़ी सी वीक होती है। ओके, और उसका आयुष्य बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है और कम भी नहीं होता है, बट इक्वल में रहता है। फिर उससे नीचे आता है हब्स, तो हब्स का आयुष्य बहुत ही शॉर्ट होता है और उसकी जो स्टीम होती है बहुत ही वीक होती है। जो हब्स है ना वो सबसे स्मॉल प्लांट है और जो श्रब्स है वो स्मॉलर प्लांट है। फिर सामने वाले पेज, तो वहाँ पे हमने क्लाइंबर, ओके, तो क्लाइंबर में हमने क्या क्या देखा था, तो मनी प्लांट, ग्रेपफिन एंड बॉटल गार्ड। तो ओके, उससे पहले यहाँ पे ऊपर कोने में पीछे दिया कि बनाना प्लांट, कि द बनाना प्लांट इज टॉल प्लांट बट इज़ नॉट अ ट्री, इट इज़ अ हर्ब्स। जो हमने बोला था कि ऐसे बहुत सारे ट्री है जिसमें बहुत ही कम ब्रांचे है, ओके, जैसे कि हमने कोकोनट देखा, कोकोनट का जो ट्री है उसमें बहुत ही कम उसके लीव्स होते हैं, उसके ब्रांचें बहुत ही कम होती है, वैसे ही बनाना का जो प्लांट होता है उसमें भी बहुत ही कम लीव्स होते हैं, बट वो ट्री में नहीं आता है, वो आता है हर्ब्स में, कि जो बनाना का प्लांट होता है उसे हम मानते हैं हर्ब्स में।
फिर क्लाइंबर, तो क्लाइंबर जैसे कि मनी प्लांट, तो मनी प्लांट तो सभी के घर में ही होता है। तो आपने देखा होगा कि जो मनी प्लांट है उसको अगर हमने सपोर्ट नहीं दिया होता है तो वो ऐसे ग्राउंड में फैले हुए होते हैं, तो उसकी जो स्टीम होती है बहुत ही वीक होती है कि जो अपने आप पे वो ग्रो नहीं कर सकते, मतलब वो अपने आप पे वो खड़ी नहीं रह सकती। अगर हाँ हमें उसे सपोर्ट दे या फिर हम रस्सी से बांध के उसे ऊपर तक बांध दे तो उससे सपोर्ट के वो ऊपर तरफ चढ़ेगी, ओके। बट हम उसे ऐसे ही रख देंगे तो वो हमारे पॉट के बाहर निकल के फिर वैसे ग्राउंड में फैल जाती है। दो क्लाइंबर है वो बहुत ही वीक, उसकी स्टीम है जो बहुत ही वीक होती है, हब से भी वीक होती है, इसलिए वो ग्राउंड में फैली हुई होती है, इससे हमें चढ़ाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत उसे होती है। फिर इसके बाद आता है क्रीपर्स, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि ब्राह्मीन है, क्यूकुम्बर है, वाटरमेलन है, तो वो क्लाइंबर से भी वीक होता है। हाँ, वो ग्राउंड में ग्रो करता है, ग्राउंड में आप कोई भी प्लांट क्रीपर से वो लगा दो उसमें फ्रूट वेजिटेबल्स आते हैं, बट वो इतना वीक है कि वो अगर आप सपोर्ट भी उसे दे आप उसे वॉल पे सपोर्ट भी दोगे तो फिर भी वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ग्रो कहाँ पे करता है, सिर्फ ज़मीन पे। क्यों? क्योंकि उसमें जो उसके फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, बहुत ही हैवी होता है, जो क्रीपर से वो इतना वज़न उठा नहीं सकता है, इसलिए जो क्रीपर से वो सिर्फ ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं, उसकी जो स्टीम होती है बहुत ही वीक होती है। यहाँ पे आपने पिक्चर में भी दिया है कि ब्राह्मीन है, कुकुम्बर है, फिर वाटरमेलन, ये सब क्या है, तो ये क्रीपर्स है। फिर ऊपर जो हमने देखा क्लाइंबर, तो उसको हम अगर सपोर्ट दे दें, अगर उस प्लांट को हम सपोर्ट दे देंगे वो सपोर्ट के अकॉर्डिंग वो ऊपर की तरफ फैलता है। फिर टर्न योर पेज, फिर थोर्नी प्लांट्स, तो थोर्नी प्लांट्स में क्या क्या, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। अगर आपने कहीं पे भी जंगल पे या फिर आप रोड पे भी जाते तो आजू बाजू में बहुत सारे खेत वगैरह होते, तो आपको उस प्लांट्स के नेम भी नहीं आते जो हमने कभी देखा भी नहीं थे, बट आपने ये नोटिस किया होगा ऐसे बहुत सारे प्लांट्स या फिर ट्री है कि उसके लीव्स के बाजू में तो जो कांटा होता है ना उसे क्या कहते हैं, थोर्नी प्लांट्स। जैसे कि कच्छ रण में ये वाला जो थोर्न कहते हैं ना कॉक्टस, ये उस साइड पे बहुत ही निकलता है। फिर रोज़ प्लांट है, तो रोज़ में भी क्या होते हैं, कांटे। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं उसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, उसे कहते हैं थोर्नी प्लांट्स। तो ये चैप्टर हमें फिर से एक बार रिविज़न कर लिया। फिर उसके नीचे है वर्कशीट, ओके। तो वर्कशीट में हमें पहले से स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन वन के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम टू ट्रीज। तो हमें दो ट्री के नेम देने हैं, तो हमें कौन कौन से ट्री के नेम देंगे, एक तो मैंगो ट्री, एक एंड बनियन ट्री। तो मैंगो ट्री का स्पेलिंग MANGO, मैंगो ट्री का स्पेलिंग TREE ट्री, मैंगो ट्री। बनियन ट्री, तो बनियन ट्री या फिर नीम ट्री भी आप लिख सकते हो, ओके। फिर उसके नीचे है नेम टू क्रीपर्स, तो क्रीपर्स में हम लिखेंगे ब्राह्मीन एंड कुकुम्बर। फिर नेम टू श्रब्स, तो उसमें रोज एंड कॉटन प्लांट्स। फिर फोर्थ वाला है नेम टू हनी थॉर्नी प्लांट्स, तो कॉक्टस एंड रोज। तो ये तो ऑलरेडी हमने फिलअप कर लिया है, बट आपको क्या करना है, ये सारे जो फ्लावर्स के नेम है या फिर हर्ब्स, श्रब्स, ट्री, ये सारे जो प्लांट्स के नेम है ना, आपको इनमें से देख के फिर लर्न करना है कि स्पेलिंग लर्न करने हैं। जैसे कि रोज़, तो रोज़ का स्पेलिंग क्या होता है कि ROSE, रोज़। नीम, तो नीम का स्पेलिंग क्या होता है, तो NEEM, नीम। फिर कॉटन प्लांट्स, तो कॉटन प्लांट्स प्लांट का नेम क्या होता है, तो COTTON, कॉटन। फिर PLANTS के प्लांट्स। फिर क्वेश्चन नंबर टू, चूज द राइट वर्ड एंड द फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये ब्लैंक हमने फिलअप कर ली थी, तो अब मैं पूरे ब्लैंक आंसर के साथ लर्न करूँगी कि मैंगो ट्री हैज अ हार्ड स्टीम। जो मैंगो ट्री, जो जैसे कि बड़े वाले ट्री होती है उसकी जो स्टीम होती है, ओके, वो कैसी होती है, हार्ड होती है, जो हम आसानी से गिरा नहीं सकते हैं। फिर सेकेंड, गुलमोहर इज अ हर्ब या ट्री, तो गुलमोहर जो है वो ट्री है। थर्ड, ग्रेपविन इज अ क्लाइंबर, ग्रेपविन है वो क्या है, क्लाइंबर है। फोर्थ, श्रब्स आर ऑल्सो कॉल्ड बस। फिफ्थ, कोकोनट ट्री हैज अ नो ब्रांचेस, तो कोकोनट ट्री है उसमें ब्रांचेस बिल्कुल भी नहीं होती है, हाँ उसके जो छोटे छोटे लीव्स वगैरह होते हैं बट उसकी ब्रांचेस सिर्फ बहुत ही कम होती है। फिर क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन थ्री में हमें ट्रू और फॉल्स करना है, तो फर्स्ट है
द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक. तो ट्रू, तो जो स्टेम होती है ऑफ अ ट्री कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, ट्रंक. फिर सेकेंड, हर्ब्स लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नो, सबसे लॉन्ग टाइम जो रहती है वो क्या होता है, ट्री. जो आयुष्य होता हो उसका होता है सबसे ज़्यादा वो ट्री का होता है. हर्ब्स, फिशर्स, कॉकटेन, वो सब का जो लीव, मतलब उसका जो आयुष्य होता है बहुत ही कम होता है. तो सेकंड में आएगा फॉल्स. थर्ड, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. तो यस, ट्रू. फोर्थ, बनाना प्लांट इज अ ट्री. नो, बनाना प्लांट इज अ हर्ब्स. मतलब फोर्थ में आएगा फॉल्स. फिफ्थ, कॉक्टस इज अ थॉर्नी प्लांट. तो यस, जैसे कि हमने ये कॉक्टस में देखा था तो इसमें बहुत सारे कांटे हैं, तो ये क्या है, थॉर्नी प्लांट. तो यस, ये थॉर्नी प्लांट है, तो ट्रू. फिर उसके नीचे है, लेट्स हैव अ फन. सर्कल द प्लांट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. तो जैसे कि ये तो एक्टिविटी हमने कर ली थी. फिर उसके पीछे है क्रॉसवर्ड. तो क्रॉसवर्ड भी हमने कर लिए थे. ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो एक स्पेलिंग दिए है कि ट्री, बिग, स्मॉल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ट्री. तो ट्री का स्पेलिंग क्या होता है, तो टी आर डबल ई ट्री. फिर श्रब्स, तो श्रब्स का स्पेलिंग एस एच आर यू बी श्रब्स. फिर हर्ब्स, तो एच ई आर बी एस हर्ब्स. फिर है क्लाइंबर्स, तो सी एल आई एम B E R S क्लाइंबर्स. फिर है क्रीपर्स, C R डबल E P E R S क्रीपर्स. फिर है थॉर्नी प्लांट्स, तो T H O R N Y थॉर्नी प्लांट्स. तो प्लांट्स का स्पेलिंग बहुत इजी है, P L A N T S प्लांट्स. थॉर्नी ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर्स एंड थॉर्नी प्लांट. ट्री में, तो ट्री में तो बहुत सारे ट्री आते हैं, तो ट्री के जितने भी नेम आपके आते हो तो वो आपको ट्री के आगे लिखने हैं कि यहाँ पे आपने ट्री लिखा. फिर इस तरह से डैश करके आपको जितने भी ट्री के नेम आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है. फिर श्रब्स, तो श्रब्स के नेम, श्रब्स के जितने भी प्लांट होते हैं उसके नेम जितने भी आते हैं वो भी आपको इसके सामने लिखना है स्पेलिंग के साथ. फिर हर्ब्स, तो हर्ब्स के जितने नाम आते हैं वो लिखना है, क्लाइंबर, क्रीपर्स एंड थॉर्नी प्लांट. ओके, अगर आपको टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही कम यहाँ पे प्लांट्स और ट्री दिए हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको सर्च करना है यूट्यूब में कि ट्री के बहुत सारे ट्री के, ट्री के नेम, श्रब्स के नेम, हर्ब्स के नेम, क्लाइंबर्स के नेम, क्रीपर्स के नेम एंड थॉर्नी प्लांट्स के नेम. तो आप ये सर्च करोगे तो आपके बहुत सारे जितने भी प्लांट होंगे कि बहुत ट्री है, श्रब है, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर्स एंड थॉर्नी प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होंगे वो आपको पूरे दिखाएंगे और पिक्चर के साथ और स्पेलिंग के साथ भी आपको वहाँ पे दिखाएंगे. और जो आप वीडियो देखो तो आपको वो सारे जो वर्ड्स जितने भी आते हैं ना यूट्यूब पे, वो सारे वर्ड्स आपको नोटबुक में नोट कर लेने हैं. ओके, बाद में आपको वो लर्न करने हैं कि हर्ब्स है तो हर्ब्स में कौन कौन से प्लांट आते हैं, तो वो स्पेलिंग आपको याद करना है कि हर्ब्स में ये वाला आता है प्लांट तो उसका नाम ये है. ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो हमने उसका रिवीजन कर लिया है, फिर भी आपको कंटिन्यू उसका रिवीजन करते रहना है ताकि आप एग्जाम में आसानी से सभी क्वेश्चन आंसर फिलअप कर सको. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 का रिवीजन.